हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज की वीडियो में आपके साथ हम बात करने वाले हैं कि आप अपने LIC पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ कौन सा बेस्ट टाइम है कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि LIC की पॉलिसी को आप अगर सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने के बाद आपका पॉलिसी में जो भी पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है ये सारे पैसे आपको रिफंड दे दिया जाता है आपका बैंक अकाउंट में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपने जितना भी पैसा LIC में आपने जमा कर रखा है ये सारे पैसे, यानी कि जितना भी आपने जमा रखा है सारे पैसे आपको रिफंड नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ से आपको लगभग 60-70% ही आपको रिफंड मिलता है। बाकी जो भी पैसा होता है ये आपके सरेंडर के चार्जेस वगैरह इस तरह से वहाँ पर कट जाता है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि वहाँ पर आपका लगभग 30-40% आपका पैसा वहाँ पर नुकसान हो जाता है अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिसी सरेंडर करने से आपका पैसा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप पॉलिसी को चालू रखें, कंटिन्यू रखें, प्रीमियम जमा करते रहें। अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने पॉलिसी को ऐसे ही रख दीजिए। जैसे ही उसका मैच्योर का डेट होगा, मैच्योर होगा पॉलिसी आपका, उस वक्त आपको सारे के सारे पैसे आपको रिफंड मिल जाएगा। मैच्योरिटी के बेनिफिट के तौर पर आपको पॉलिसी में बोनस भी दिया जाएगा और आपने जो भी पैसे जमा किया ये सारे पैसे आपको एक साथ रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये आपको पॉलिसी मैच्योरिटी में ही मिलता है, यानी कि जब मैच्योरिटी का जब आपका पॉलिसी जब मैच्योर होगा, जब आपका टर्म खत्म होगा पॉलिसी में, पॉलिसी मैच्योर होगा उसी वक्त आपको ये सारे पैसे मिलता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको मैच्योरिटी डेट तक आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी कि अगर आप आज अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिसी में आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप सरेंडर करते हैं, तो इसके लिए आप LIC ऑफिस में विजिट करिए और वहाँ से आप सरेंडर वैल्यू चेक करिए। सरेंडर वैल्यू में देखिए कि आपको कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है अगर आप सरेंडर करते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप अपने पॉलिसी में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी में अभी तक कितना बोनस क्रेडिट किया गया है, आपका पॉलिसी में कितना बोनस आपने अर्न किया, ये सारे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो ये बोनस उस वक्त आपको नहीं मिलता है, ये बोनस सिर्फ मैच्योरिटी के बेनिफिट ही जब आपका पॉलिसी मैच्योर होता है तभी आपको ये बोनस दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और सरेंडर करते वक्त वो देखते हैं कि सिर्फ अपना पैसा, यानी कि उन्होंने खुद अपना जो भी पैसा उन्हें LIC में जमा कर रखा है वही पैसा कितना जमा हुआ है उससे वे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अभी कितना मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आप सिर्फ अपना जमा जो आपने पैसा रखा है उसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि LIC ने आपका पॉलिसी में बोनस भी दे रखा है, यानी कि इतने 4 साल 5 साल जो भी अपने प्रीमियम जमा करते आ रहे हैं उस वक्त तो LIC आपका पॉलिसी में बोनस भी देते आ रहा है, तो उस वक्त तो बोनस भी आपका पॉलिसी में बहुत सारा जमा हो चुका है। तो ये जो बोनस है ये भी आपका नुकसान हो जाता है और आपका जो पॉलिसी में जो पैसा जमा कर रखा है वहाँ से भी आपका पैसा लॉस होता है। इसलिए बेहतर है कि आप पॉलिसी को मेच्योर में जब होगा तभी आप मेच्योरिटी के बेनिफिट के तौर पर रिटर्न लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका पैसा जो जमा हुआ है ये भी मिलेगा, LIC की तरफ से जो भी आपने बोनस आपके पॉलिसी में दिया गया है ये सारे बोनस भी मैच्योरिटी के टाइम में मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि LIC के पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, तो आपको बता दूं कि LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कोई भी बेस्ट टाइम है नहीं, क्योंकि आप जब भी सरेंडर करेंगे आपका नुकसान ही होगा। अगर आप बेस्ट टाइम की बात करें तो आप जितना जल्दी सरेंडर कर देते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग है जो आपने पॉलिसी में 10 साल प्रीमियम जमा कर दिया है, 15 साल में आपका प्रीमियम आपने जमा कर रखा है, इसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं पॉलिसी को मुझे सरेंडर कर देना है और जो भी पैसा मिलता है वो मुझे वापस ले लेना है। अरे भाई, आपने 15 साल जब प्रीमियम आपने जमा कर दिया था क्यों आप अभी सरेंडर करना चाहते हैं? अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपने जो भी 15 साल आपने प्रीमियम जमा कर दिया है वहाँ से भी आपका नुकसान होगा। 15 साल में आपका पॉलिसी में जो भी बोनस LIC ने दे रखा है ये बोनस भी आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होता है। इसलिए बेस्ट टाइम है कि आप अगर अभी
नया अगर पॉलिसी है, आपने 2 साल 3 साल ही प्रीमियम जमा कर दिया है, तो उसी समय आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका पॉलिसी में ज़्यादा बोनस नहीं है और आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपका पॉलिसी में बहुत ही कम पैसा आपने जमा कर रखा है। और जिस व्यक्ति ने अपना पॉलिसी में 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल पैसा जमा कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को आप एक बार सोच कर देखिए, जी इतना साल में कितना सारा पैसा उन्हें LIC में जमा कर रखा है, और अब अगर सरेंडर करता है तो इतना साल का बोनस नहीं मिलेगा, और जो भी इतना साल उन्होंने पैसा जमा किया उसमें से उनको नुकसान होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इतना लॉन्ग टाइम जमा करने के बाद अगर सरेंडर करता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने पॉलिसी को ऐसे सिचुएशन में मेच्योरिटी के जो बेनिफिट मिलेगा उसी वक्त पैसा लीजिए, या फिर अगर आपका कुछ नया और पॉलिसी है, अगर आपने 1 2 3 4 पॉलिसी ले रखे हैं और जिसमें 3 साल 2 साल ही सिर्फ पैसा आपने जमा किया है, तो इसी पॉलिसी को सरेंडर कीजिए, क्योंकि जो लॉन्ग टाइम जमा किया गया है उसमें बहुत सारा आपका पैसा जमा हुआ है, बहुत सारा बोनस भी LIC की तरफ से दिया गया है, तो ये सारे आपका पैसा नुकसान हो जाएगा अगर आप सरेंडर करते हैं तो। इसलिए हमेशा ये सोच समझ कर ही इस तरह के एक्शन लीजिए, और अपने पॉलिसी को सरेंडर करने के बारे में सोचने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच समझ कर ही सरेंडर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। आइए जानते हैं कि आप LIC की पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं। देखिए LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए या फिर आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर दे रखा है, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस पर हमने डिटेल में बताया है कौन सा फॉर्म आपको देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, ये सारे डिटेल्स उन वीडियो पर हमने दे दिया है। इसलिए आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं कि कौन से कैसे आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर उन्होंने 1 प्रीमियम जमा किया है, 2 प्रीमियम जमा किया है, तो ऐसे पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकता है। तो आपको बता दें कि आपका पॉलिसी में आप 1 क्वार्टरली प्रीमियम 1 मंथली प्रीमियम देकर आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि LIC का कंडीशन है कि आपको कम से कम अपना पॉलिसी में 2 साल या फिर 3 साल आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, तभी आप इसके बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, या फिर आप मेच्योरिटी के लिए रख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो पॉलिसी से लोन भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 क्वार्टरली हाफ ईयरली 1 साल का 1.5 साल का आपने पैसा जमा कर रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, आपको पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि मेच्योर भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि कम से कम 2 3 साल तो प्रीमियम जमा कीजिए, इसके बाद आप सरेंडर कीजिए। अगर आप 2 3 साल पैसा जमा नहीं करते हैं तो आप अपने पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मंथली का पॉलिसी करते हैं, 1 प्रीमियम 2 प्रीमियम या फिर 6 महीने 7 महीने पॉलिसी को चलाते हैं, इसके बाद वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त सरेंडर नहीं होगा, बल्कि आपने जो 6 महीना 7 महीना 1 साल जो आपने जमा कर रखा है, ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये पैसा आपका नुकसान होगा अगर आप पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं तो। इस तरह से आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, और इसी तरह से अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर आपने जमा कर दिया है तो आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टाइम ही सिर्फ जमा किया तो आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको नुकसान होगा ही। और कैसे करते हैं सरेंडर के, इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने वीडियोज़ दे रखा है, उसे ज़रूर देखें और वहाँ से जानने की कोशिश कीजिए कैसे आप सरेंडर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपका कुछ और डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछे, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, इसलिए कमेंट में ज़रूर पूछे। वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।